ये जो शाइन टू स्टील प्रोग्राम है, आप क्या समझते हैं कितने लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, ये बेसिकली ग्रास रूट्स प्रोग्राम था अंडर 17 का। इसमें से दो बातें थी, इसमें एक तो इनकी डेवलपमेंट थी और वो बेसिक स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस था, दूसरा ये था कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। पांच सेंटर में रन हुआ है और इसमें से हम अगर ये कह दें कि अगर पांच लड़कियां भी निकलती हैं तो 25 लड़की का पूल ऐसा आ जाएगा जो आगे अंडर 19 लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकती हैं। ओवरऑल 150 लड़कियों ने पार्टिसिपेट कर लिया, उनमें क्रिकेट की मोटिवेशन बढ़ गई, उन्होंने सीख लिया, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान वुमेंस विंग का और ये हर साल चलेगा। तो मैं समझता हूँ ये कहना है कि इस स्टेज पे कि इनमें से पाकिस्तान बहुत खेलेंगे इधर टू अर्ली है, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें ऐसा टैलेंट मौजूद था इन पूरे पांच सेंटर में कि जो आगे चल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। देखिए, वैसे तो मैं ज़ाहिर है मैं कराची बेस हूँ, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, मेरी सपोर्ट तो कराची को ही होती है, मगर एज ए इस गेम तो मैं समझता हूँ कि सारी टीमें बराबर हैं और ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ की ग्रैब करने की बात होती है, जिस दिन मैच हो उस दिन आप किस तरह खेलते हैं, क्या आपका प्लान है, उसमें जो अच्छा जो अवेल करता है उन चीज़ों को, वो ज़्यादा टीम सक्सेसफुल होती है। दूसरे टीम कॉम्बिनेशन अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए कॉम्बिनेशन में जो जिस वक्त पर जो ज़रूरत है वो कर सके। तो अपेरेंटली अगर मैं देखूं पांचों टीमों को तो सब में कुछ अच्छी कुछ बुराई मौजूद है, तो एक तरह से मैं कहूंगा सारी बैलेंस है। मसला वही आएगा जब जिस दिन मैच डे होगा उस तरह किस तरह से वो उसको मैनेज करते हैं और वही टीम चैंपियन बनकर सामने आएगी। आखिरी सवाल, जो इमरान खान के हवाले से हमारे वज़ीर आज़म भी हैं, सबक कप्तान लेजेंड हैं, इन तस्वीरें जो इंडिया ने हटा दी हैं मुख्तलिफ स्टेडियम से और मुख्तलिफ जगहों से, उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना अच्छी बात नहीं है और एक अच्छा एक्ट नहीं था और इनको रियलाइज़ करना चाहिए, इंडियन पॉलिटिशियन को भी, गवर्नमेंट को, कि इससे कोई कुछ होने नहीं जा रहा। इस तरह से बात जो होगी वो डायलॉग से ही होगी और जितनी आपस में रिलेशन अच्छे होंगे उससे चीज़ें बेहतर होंगी, इस चीज़ों से कुछ बेहतर नहीं होना।